Honey for all people. The fastest growing channel. Bismillahirrahmanirrahim. I'm not a financial advisor, दोस्तों. मैं financial advisor नहीं हूँ. मेरी बताई गई कोई भी application, कोई भी airdrop या कोई भी project join करने से पहले आप अपना research work जरूर complete कर लिया करें. दोस्तों, मैंने कल ही आपको चोको सीके टोकन के ऊपर एक वीडियो बना के दी और उसमें मैंने आपको 10.23 US डॉलर का लाइव पे आउट भी करके दिखाया बाइनेंस के ऊपर. और जैसे ही मेरी वीडियो रिलीज हुई, इनकी जो ये वेबसाइट है ये अपग्रेड हो गई. इन्होंने अपना इंटायरली जितना भी इनका सेटअप है ये सारा चेंज कर दिया. इन्होंने फ्री की माइनिंग बंद कर दी है और इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दे दिया है. पैनकेक्स वेब पे इन्होंने इसे लिस्ट कर दिया है. अब आप जा कर के पैनकेक्स वेब पे इसे एक्सचेंज कर सकते हैं. लेकिन इन्होंने कहा है कि अब अगर किसी ने इसमें अपनी माइनिंग जारी रखनी है तो एटलीस्ट $10 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. दो तरह की इन्वेस्टमेंट है, एक सिल्वर एक गोल्ड है. सिल्वर जो है 10 USDT से है और गोल्ड जो है वो 100 USDT से है. तो मैं आपको लिए चलता हूँ इसके ट्विटर हैंडल पे. तो ये आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है. ये देखिए दोस्तों, मैं आ गया इनके ट्विटर हैंडल पे. ये इनकी पिन पोस्ट है. पिन पोस्ट में इन्होंने कहा है, ये चोको नेटवर्क सीके क्वाइन सक्सेसफुली लैंडेड ऑन पैनकेक स्वैप एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिस एंड डैट. तो दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है. हम इसको क्या करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में जा कर के इसको पेस्ट कर लेते हैं. ये देखिए, यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने कॉपी किया. देखिए दोस्तों, यहाँ राइट साइड अपर कॉर्नर पे ऊपर यहाँ क्लिक करने पे यहाँ पर मैं इसे सर्च करता हूँ. इम्पोर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस जगह पर मैं ये एड्रेस देता हूँ. अब देखिए, ये यहाँ पर नहीं आया. तो इसका मतलब है कि हमने इसको यहाँ पे नेटवर्क चेंज करना है. नेटवर्क BNB कर देते हैं, BNB स्मार्ट चेन ये वाला. देखिए, जैसे ही मैंने ये BNB स्मार्ट चेन किया और अब मैं अगर एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करता हूँ तो चेक करते हैं. ये देखिए, ये आ गया चोको CK डेसिमल 18. इंपोर्ट कर लेते हैं. ये देखिए, सक्सेसफुली एडिड आ गया लिखा हुआ, ये CK टोकन मेरे पास आ गया. तो जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेंड और रिसीव का बटन आ गया है. एक्सचेंज का बटन यहाँ से ख़त्म हो चुका है. तो आपने यहाँ पे नीचे ये देखिए, यहाँ पे पहले ये होम का बटन पहले प्रेस करके चेक कर लेते हैं. तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने होम का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर हमारी ये जो है माइनिंग स्टार्ट माइनिंग नाउ पे क्लिक करें तो कुछ भी नहीं होता. यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे आपने बाय करना है या तो सिल्वर पैकेज या गोल्ड पैकेज. सिल्वर पैकेज जो है 10 USDT का है और वो गोल्ड पैकेज जो है वो 100 USDT का है. तो मैंने तो इसमें जो है बाय कर लिया था रात ही. मैं आपको चेक करा देता हूँ. ये देखिए, ये जो बुक सी बनी हुई है इस पर क्लिक करके देख लीजिए. तो ये देखिए, मैंने कल रात $11 इसमें इन्वेस्ट कर लिए थे क्योंकि मेरे पास इसमें CK टोकन 1700 समथिंग $1,700 के हैं. तो मैं रिस्क क्यों लूँ, अगर एक चीज़ मुफ्त में मिल रही है तो रिस्क ले लेना चाहिए. $10 मैंने अभी परसों ही तो इसमें से $10 का पे आउट लिया था, बल्कि शायद कल ही मैंने इसमें $10 का पे आउट लिया था. तो अगर $10 ये मांग रहा है कि जी इसमें आप माइनिंग इस तरीके से कर सकते हैं तो हमें कर लेनी चाहिए. इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो रिलीज़ हो चुका है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि उसको आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट में कैसे एंटर करना है. तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसको मेटामास्क में भी आपने कैसे एंटर करना है. तो आपने इसको दोबारा यहाँ ट्विटर पर जाना है दोस्तों, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है. ये यहाँ से कॉपी हो गया. अब आप अपने चले जाइए मेटामास्क के अंदर. तो ये दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर आपका मेन जो है BNB स्मार्ट चेन सेलेक्ट होना चाहिए. यहाँ पर आइए BNB स्मार्ट चेन, क्योंकि ये BNB स्मार्ट चेन में जो है ये डिज़ाइन किया गया टोकन है. तो हम BNB स्मार्ट चेन में आ गए और यहाँ पे आके आपने इंपोर्ट टोकन पे क्लिक करना है.
यहाँ पर इस जगह पर इंपोर्ट टोकन पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए मैंने इंपोर्ट टोकन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे है सर्च और कस्टम टोकन, तो आपने कस्टम टोकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वो एड्रेस जो है वो जो वहाँ से कॉपी किया है उसको यहाँ से पेस्ट कर देना है। ये देखिए जैसे यहाँ से पेस्ट करेंगे तो इसका सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सिंबल टोकन सिंबल CK है, डेसिमल 18 है, इंपोर्ट कर दीजिए। ये देखिए मैंने इंपोर्ट कर दिया और अब ये टोकन जो है ये मेरे पास यहाँ पे CK टोकन के नाम से आ गया। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने विड्रॉल जो लेना है ये आपने मेटामास में लीजिएगा इंस्टेड ऑफ ये कि आप ट्रस्ट वॉलेट में लें, क्योंकि मैंने ट्रस्ट वॉलेट में इसका जो है पे आउट लिया और वो उसने थोड़ा देर लगा दी। लेकिन अगर आप मेटामास में अपना पे आउट लेते हैं तो इंस्टेंटली आपके मेटामास में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो लेकिन समटाइम जो है ट्रस्ट वॉलेट में देर लगती है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है। अब मैंने इसका यहाँ से रिसीविंग एड्रेस कॉपी करना है। ये रहा इसका रिसीविंग एड्रेस। अब मैं वापस आ जाता हूँ CK टोकन के ऊपर। वो इस वक्त 357 बना है जो कि मैं इसमें ट्रांसफ़र कर सकता हूँ CK टोकन को। यहाँ पे 357 मैक्सिमम बना है और गैस फीस 30 कटेगी। मैं सेंड का बटन क्लिक करता हूँ। ये कह रहा है पासवर्ड वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आपने वही पासवर्ड देना है जो आपने CK टोकन का रखा था। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पर इसके पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग रिव्यू। ये आज 4 तारीख को और ये 357 का मैंने पे आउट लिया है। देखते हैं ये कितनी देर में वहाँ पहुँचता है CK टोकन मेरा वहाँ पर। तो वापस जाते हैं वहाँ। तो मैंने चूँकि लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे भी मेरे ट्रस्ट वॉलेट में मिल चुके हैं। मैं ट्रस्ट वॉलेट में लिए चलता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों ये देखिए 327 CK टोकन मुझे यहाँ पर मिल चुके। तो अब मैंने इनको जो है पैनकेक स्वैप पे जो है मैंने इसको कन्वर्ट करना है अपने जिस किसी भी करेंसी में। तो वहाँ पे मैंने इसको जा करके सेल आउट करना है। तो मैं आपको पहले अपना यहाँ पे चेक करवा दूँ कि मेरे पास BNB कितना पड़ा हुआ है। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे BNB सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 88 सेंट का ये पड़ा हुआ है। तो मैं इसको CK टोकन को BNB में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ट्विटर पे जाएंगे, ये देखिए ट्विटर हैंडल पे, और यहाँ से इसका ये एड्रेस यहाँ से कॉपी करेंगे। ये मैंने कॉपी किया और ये पैनकेक स्वैप पे जाएंगे। ये देखिए पैनकेक स्वैप पे गए। ये कह रहा है वॉलेट कनेक्ट कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करना है यहाँ पर। तो ये पूछ रहा है कौन सा वॉलेट, मैंने कहा जी ट्रस्ट वॉलेट। लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने मेटामास वॉलेट पे सारा काम करना है। मेटामास वॉलेट जो है ये ज़्यादा फास्ट काम करता है हर चीज़ के लिए। ये कह रहा है यू आर विजिटिंग अ थर्ड पार्टी डैप। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, इसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है और ट्रेड नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे मैंने ट्रेड नाउ पे क्लिक किया ये देखिए ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे स्वैप के लिए यहाँ पे BNB और केक है। तो हमने यहाँ पे BNB की जगह अपना CK टोकन लेके आना है। तो CK टोकन के लिए हम यहाँ पे उसका यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने उसका एड्रेस पेस्ट किया ये आ गया CK टोकन। ये हमने इसको यहाँ से, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो ये यहाँ पे कहेगा कि इंपोर्ट करना है, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे केक की जगह आप जो भी बताएंगे। मैं कहता हूँ जी आप BNB कर दें। ये देखिए मैंने इसे BNB में कन्वर्ट कर दिया CK, और मैंने कहा जी BNB और CK कितना करना है, मैक्सिमम करना है। ये यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको स्वैप कर देता हूँ। ये देखिए मैंने स्वैप पे क्लिक किया, ऊपर आया कंफर्म स्वैप पे क्लिक करना है, अप्रूव कर रहा है।
जैसे ये अप्रूव होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा सीके टोकन हमारे बीएनबी के अंदर। यहाँ पे कह रहा है कि 21 सेंट इसकी फीस लगेगी, मैं कहता हूँ ठीक है अप्रूव कीजिए। ये मैं सिर्फ आपको एक्सपीरियंस के तौर पे करके दिखा रहा हूँ, हालांकि अमाउंट बहुत छोटी है, लेकिन मैं ये सारा कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप चेक कर सकें। जब भी आप करेंगे, अगर आपकी रकम चाहे $10 हो, $20 हो, $50 हो, फीस आपकी बहुत कम लगने वाली है। तो यहाँ पर ये हो चुका, ये साइन कर देना है आपने यहाँ पे। तो ये देखिए कंफर्म स्वैप आ गया, ये देखिए ये कह रहा है कि इस तरह है और टोटल 19 सेंट फीस लगेगी, अब 21 की जगह 19 हो गया है। ये देखिए ट्रांसैक्शन रिसीट भी आ गई, व्यू ऑन बीएससी स्कैन पे इसको हम चेक भी कर सकते हैं अगर जाके चेक करना चाहें तो। बहरहाल वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ अपने जा कर के ट्रस्ट वॉलेट में चेक कर लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ये मेरा बीएनबी मैंने रिफ्रेश किया, तो अभी आपके सामने ये यहाँ पे चंद सेंट थे, अब 1.43 यूएस डॉलर हो चुके हैं। तो ये इस तरीके से आप अपने सीके टोकन को पैनकेक स्वैप फाइनेंस पे जा कर के एक्सचेंज करके आप बीएनबी या यूएसडीटी कुछ भी बना सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हम डायरेक्ट वहाँ से एक्सचेंज कर लेते थे, अब पहले आपको सीके टोकन को अपने मेटामास्क में या ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और यहाँ आकर के पैनकेक स्वैप पे आके आपको उसमें जा करके उसके अंदर स्वैप करना पड़ेगा, तो वो कन्वर्ट होगा आपकी उस रेलिवेंट करेंसी के अंदर जो भी आप उसमें मेंशन करेंगे। और जैसे ही ये सीके टोकन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा तो हम उसको डायरेक्ट यूएसडीटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। अभी ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन कौन सी हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट है, जैसा कि आपका जो है मेटामास्क है, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। अभी ये इन पे लिस्ट हुआ है तो मैंने तो अपना $11 उसमें जो है इन्वेस्ट कर दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने तो यहाँ पे अपना सीके टोकन में चोको नेटवर्क में अपने $11 की इन्वेस्टमेंट करके अपना मैं पे आउट निकाल रहा हूँ, ताकि मेरे जो यहाँ पे बने हुए हैं जितने भी आपके बने हुए हैं $100 $50 मेरे बने हुए 1700 समथिंग डॉलर, तो मैंने इसमें $11 की इन्वेस्टमेंट इसलिए की ताकि मैं इसमें पे आउट ले सकूं। और मैंने आपको इस वक्त लाइव पे आउट करके उसको जो है आपको चेंज करके भी दिखा दिया बीएनबी के अंदर। तो यहाँ पर ये चेक कर लीजिए, मेरे पास 1790 मेरे पास यूएसडीटी हैं, तो मैंने इसलिए इसके अंदर $11 की या $10 की कह लीजिए इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क उठाया। अगर आप भी करना चाहें तो अपना रिसर्च वर्क खुद से कंप्लीट करके आप कर सकते हैं। मैंने साफ साफ आपको सारा कुछ करके ऑनलाइन दिखा दिया है, अब डिपेंड करता है आप पे। अगर आप इस पे पहले से ज्वाइन किए हुए थे तो अगर आपने इसमें कोई डॉलर कमा रखे हैं $100 $50 $150 $400 $500 जितना भी या इवन देन मेरे से भी ज़्यादा, तो आप अपने इसको सिक्योर कीजिए। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है $10 की या नहीं करनी, ये निर्भय करता है आपके ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि सीके टोकन के ऊपर बनाई गई ये अपडेट वीडियो आफ्टर इनकी जो पूरी की पूरी इनका सेटअप चेंज हुआ है इसके बाद बनाई गई ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।